फंस गया मैं ढंग से, फंस गया भाई। ये साफ करने की प्रॉब्लम बस थोड़ी यार। तो भाई ये कर रखी थी थोड़ी सी बागवानी चीकू के और अमरूद के पेड़। गाइस इसमें चला के देख रहा अभी अपने बाग के इसमें अड़ंगे में कैसे क्या रहता है इसका यूज, इस अड़ंगे पे क्या रहेगा वो देखते हैं अभी। जय श्री राम भाई सारा ने। तो आज आपका एक और नई वीडियो का स्वागत है। आज अपन करेंगे अपना वाला रोटावेटर आपने कर दिया स्टार्ट, उससे देखें जो अपना अड़ंगा है उसको साफ कर पाता है नहीं कर पाता, ट्रैक्टर का काम ये कर पाता है नहीं कर पाता, जिस पर्पज़ के लिए लेके आए थे इसको उसका यूज़ कर पाएगा या नहीं, उस काम के लिए यूजफुल है भी या नहीं या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। आज देखते हैं इसका काम कैसा रहेगा। तो ये है घास, तो इस पर चलाएंगे नलकी वगैरह पड़े इनको हटाते भाई। तो ये घास देखें घास को काट पाता नहीं काट पाता, ये अड़ंगा खड़े इसको सारे को साफ करेंगे आज। इससे फिलहाल स्टार्ट कर रखे वो कर दिया स्टार्ट। करे को राजकुमार की मियो ना करे माटी क्यों खोद रहा है, माटी ना खोदनी घास काटनी से मिट्टी को खोद रहे हैं बस। अरे पेड़ तोड़ दियो भाई, पहले इसमें चलाएंगे क्या काम करता है, इसमें कोई यूज का है या नहीं। ये बड़े बड़े डंगे तो वैसे पार्ट के डाल दिए, इसमें आग लगा देंगे अब। तो ये चीज रहेगी सारे देखने के लायक, ये भी है सामने भी है, साफ करके देखते हैं इसको यूजफुल है या नहीं। क्यों फंस गए, ये लो ये बैठ गया भाई वो मिना पा रहा। करे तो है यार, करे वो माटी
ट्यूब लगानी पड़ेगी, ट्यूब आती होगी इसमें। कहाँ घूमे यो यार, ही दिक्कत है, बस बस जावे लागे। रात में रात मत लगाइए, फंस गया मैं ढंग से, फंस गया भैया, ये साफ करने की प्रॉब्लम बस थोड़ी यार, और तो अभी देखते हैं यूज करके और थोड़ा पता चलेगा। तो भाई ये कर रखी थी थोड़ी सी बागवानी, चीकू के और अमरूद के पेड़, जो अमरूद लगने लग गई है रे, तो इनके बीच में जब अड़ंग होता है तो ट्रैक्टर चल नहीं पाता, तो उसकी वजह से छोटा रोटावेटर लेके आए थे, अगर यूजफुल रहेगा तो फिर हम भी लेके आ जाएंगे। एक चीकू भी हो रखे छोटे छोटे, अभी फूल आ रहे हैं, थोड़े होंगे अभी सही, और अमरूद का बगर तो बढ़िया रखा अभी। ये अपना छोटा सा बाग है, इसमें चला के देख रहा अभी अपने बाग के इसमें अड़ंगे में कैसे क्या रहता है इसका यूज। मिट्टी तो जोत दी वैसे, इस अड़ंगे पे क्या रहेगा वो देखते हैं अभी, ये थोड़ा बड़ा है इसको कैसा साफ कर पाएगा, ये देखना एक रहेगा इसका परफॉर्मेंस। पहले ना पड़ेंगे कि चटनी से बना दी सारे की, कितना ज्यादा था आप पीछे देख लो, देख लो वीडियो में पीछे कितना ज्यादा डंगा था, फिलहाल सारे की चटनी बना दी, साफ हो गया बिल्कुल बढ़िया वाला। बिल्कुल साफ कर दिया भाई, बहुत बुरा ढंग था यहाँ पे, जैसे ये रहा ऐसा था, अब ये भी साफ करेंगे, अभी फिर दिखाएंगे आपको साफ होने के बाद। अब गाइस मौसम देखो कितना जबरदस्त घुटा हुआ है, रोज ऐसा ही घुट के जा रहा है, बट अब नहीं, अब बारिश नहीं आ रही, आसपास लगभग बारिश हो चुकी, सिर्फ अपना ये एरिया बचा हुआ है, यहाँ बारिश नहीं हो रही, पता नहीं कुंड मनेठी में क्या दिक्कत है, या बारिश का नाम ही नहीं है, बारिश हो ही नहीं, रोज ऐसे बादल होके चले जाते हैं, बस बारिश नहीं हो रही। और ये अपने भाई एक्सयूवी सामने का लोगो हट गया, महिंद्रा का अंदर रखा है, चिपकाएंगे इसको भी। तो भाई साहब काम करके रोटावेटर से और चल दे अपने घर पे अपनी एक्सयूवी में, काफी टाइम बाद जा रहे एक्सयूवी में, बहुत गंदी हो रखी है एक्सयूवी भी अपनी, बहुत बुरी।
और बारिश आती नहीं आंधी चलती है, हल्की फुल्की बूंदें आती है बस, सिर्फ मतलब धो ही धाई गाड़ी को भी खराब कर जाती है और कुछ भी नहीं। ये देखो शीशा कितना गंदा हो रखे है। और भाई साहब रोटावेटर जो है वो फुल पावरफुल है और इसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए, 16 से 18 नहीं भाई, 2 HP का है, ना इतनी 10 या 11 की समथिंग आई थिंक, और भाई कंफर्म पता नहीं 10 या 11 होगी, 16 से 18,000 है। और ये जब भाई जाके आपको कंफर्म जाके बताएंगे है कितने का, पर जो भी चीज है भाई फुल पावरफुल है। जिन भाइयों के अगर छोटी जगह है, ट्रैक्टर ट्रुक्टर घुमाने की जगह नहीं है, तो उसके लिए काफी यूजफुल चीज है ये, सफाई के मामले में एक नंबर है। हाँ भाई है ना, एक नंबर, क्योंकि आज सुन चलाया था यही बता सकता है, ना ना अच्छी है तो मस्त है भाई, बगैर सोचे समझे लेके आ सकते हो। तो कल की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि भाई ये अपना ये छोटा रोटावेटर कितना पेट्रोल पीता है, एक लीटर में कितने घंटे चल पाता है, ये चीज कल दिखाएंगे कल के में। तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, जय श्री राम।